टाइप्स ऑफ मीटिंग। इस वीडियो में मैं शेयरहोल्डर्स मीटिंग के दो प्रकार, जिसमें जनरल मीटिंग, क्लास मीटिंग, डायरेक्टर्स मीटिंग के दो प्रकार, बोर्ड मीटिंग और कमिटी मीटिंग, क्रिएटर्स मीटिंग, एक एक करके पूरा लेने वाला हूं। तो हम शुरू करते हैं शेयरहोल्डर मीटिंग। नाउ याद रखना, शेयरहोल्डर्स मीटिंग के दो प्रकार होते हैं, ठीक है? एक होता है एनुअल जनरल मीटिंग और एक होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। नाउ शुरू करते हैं सबसे पहला मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग से। ध्यान से सुनना, एनुअल जनरल मीटिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स का मीटिंग है। शेयर होल्डर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है? ऐसे दो क्लास है ऑफ शेयर होल्डर्स। जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन अटेंड एंड वोट कौन सा? एनुअल जनरल मीटिंग। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन अटेंड क्लास मीटिंग, ठीक है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखा गया। तो एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार होना जरूरी है, पर ये होता क्यों है? साल में सिर्फ एक बार होता है। इसमें मेन चार काम होते हैं: टू अडॉप्ट अकाउंट्स, टू अपॉइंट ऑडिटर, टू अपॉइंट डायरेक्टर, टू डिक्लेयर डिविडेंड। ये चार मेन काम इस मीटिंग में होता है। तो इसको रखने के लिए तुमको कुछ लीगल प्रोविजंस मानना पड़ेगा। नाउ कंपनी का जब जन्म होता है उसको क्या बोलते हैं? जिस दिन मिलता है उस तारीख को क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस तारीख कंपनी का जन्म हुआ वी कॉल इट एज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सपोजिटली आज तारीख 8/12/2022 है, कंपनी का जन्म आज हुआ, ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा? 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। डू यू एग्री? ये मार्च है। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर ये साल का खत्म होगा, कंपनी का जन्म आज हुआ है, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2023। इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च है। इसके 9 महीने के अंदर कंपनी का सबसे फर्स्ट एजीएम हो जाना चाहिए। आया समझ में? सबसे पहला एजीएम। उसके बाद में नेक्स्ट कायदा है, कंपनी पुरानी हो गई, मतलब एजीएम हो चुका है, उसके बाद 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर मतलब कि यदि रिलायंस ले लो, रिलायंस का 45 एनुअल जनरल मीटिंग ऑलरेडी हो चुके हैं। सो रिलायंस का फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2023। रिलायंस का ही नहीं, पूरे इंडिया में सबका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है। तो इसके 6 महीने के अंदर होना चाहिए। जो पुराने कंपनीज है, मतलब 30 सितंबर के अंदर सबका एनुअल जनरल मीटिंग हो जाना चाहिए। आया समझ में? फिर एनुअल जनरल मीटिंग हर साल होना चाहिए। तो एनुअल जनरल मीटिंग का फासला 15 महीने से ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो तुमको कैसे याद रखना है? जो सबसे पहला एनुअल जनरल मीटिंग है कंपनी का, जिस तारीख को इनकॉर्पोरेशन हुआ, जो फाइनेंशियल ईयर में आता है, जो फाइनेंशियल ईयर का 31 मार्च है, 31 मार्च 2023, उसके बाद 9 महीने के अंदर पहला एजीएम होना चाहिए। यदि कंपनी पुराना है तो एजीएम कब तक होना चाहिए? 30 सितंबर से पहले। फिर 6 महीने के अंदर मतलब 30 सितंबर, एजीएम हर साल होना चाहिए। दो एजीएम के बीच का फासला कितना होना चाहिए? 15 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। आया समझ में? तो ये एनुअल जनरल मीटिंग बुलाएगा कौन? सबसे पहले सवाल तो ये है, एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने का अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है, ठीक है? और कोई मीटिंग इसको बुलाएगा नहीं। नाउ यदि डिले हो रहा है किसी कारणवश, तुमसे कोविड का कारण है, तो तुम रजिस्ट्रार से 3 महीने का एक्सटेंशन ले सकते हो। सितंबर 30 तक होता है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 तक तुम एक्सटेंशन ले सकते हो एनुअल जनरल मीटिंग का। लेकिन सबसे पहला एजीएम जो होता है उसको 3 महीने का एक्सटेंशन नहीं मिलता। बाकी पुराने एनुअल जनरल मीटिंग रहे, कोविड हुआ, स्ट्राइक हुआ, जेन्युइन रीजन है, तो तुमको अप्लाई करना पड़ता है कि एक्सटेंशन दो। यार समझा? नाउ अथॉरिटी कौन है मीटिंग बुलाने के? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नोटिस कितने दिन पहले भेजना पड़ेगा? 21 डेज। फिर डेट, टाइम एंड प्लेस। एनुअल जनरल मीटिंग का डे क्या होना चाहिए? जो वर्किंग डे हो, छुट्टी का दिन नहीं हो सकता। उसके बाद में
टाइम, कोई भी जनरल मीटिंग का टाइम है सवेरे 9 बजे से 6 बजे तक शाम को, ना उसके पहले ना उसके बाद होगा, छुट्टी के दिन नहीं हो सकता। प्लेस जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, या तो सिटी जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस मौजूद है। आया समझ में? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोरम, प्राइवेट कंपनी के लिए कोरम 2 है, ठीक है? प्राइवेट कंपनी का कोरम कितना है? 2। पब्लिक कंपनी का कोरम कितना है? ये रहा, तुम्हारे सामने आ रहा है। नॉट मोर देन 1000 मेंबर, 1000 मेंबर से कम है तो 5 मेंबर, 1000 और 5000 मेंबर के बीच में है तो 15, 5000 से ज्यादा है तो 30 मेंबर। आया समझ में? और यदि मीटिंग सपोजिटली 1 जनवरी को है, 1 जनवरी को, और कोरम नहीं बनता, कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो मीटिंग में प्रेजेंट चाहिए फॉर द मीटिंग टू बी लीगली वैलिड। यदि रिलायंस में 5000 के ऊपर तो है, लाखों मेंबर्स है, तो उधर सपोजिटली 25 आए, तो मीटिंग एक हफ्ते के लिए ढकला जाएगा, दैट इज 8 जनवरी, ठीक है? एक हफ्ते के लिए ढकला जाता है। यहाँ पे भी 20 ही लोग आए, तो ये 20 लोग लीगली वैलिड माना जाएगा। सो ये ओरिजिनल मीटिंग है और ये एडजर्न्ड मीटिंग है। एडजर्न्ड मीटिंग में जो भी लोग रहेंगे वो कोरम माना जाएगा, उसको बार बार ढकलते नहीं बैठे, ठीक है? और यदि तुमने एनुअल जनरल मीटिंग के कायदे तोड़े, नोटिस का, कोरम का, या दूसरे कायदों का, तो पेनल्टी कितना है? लाख रुपए का, प्लस हर दिन का मीटर कितने, 5000 का मीटर लागू होगा। और ये हर एक ऑफिसर को फाइन बैठेगा, कंपनी को ही नहीं, मतलब सेक्रेटरी को और हर एक डायरेक्टर को 1 लाख रुपया प्लस 5000 रुपया दिन का। दिन का मतलब तुमने मीटिंग 10 अक्टूबर को रखी, तो लाख रुपया प्लस 10 दिन का, 10 10 इंटू 5000, 50,000। सो कितना हैवी फाइन रखा है। आया समझ में? नाउ नेक्स्ट है एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग। पहले तो तुमको समझना पड़ेगा कि शेयर होल्डर्स मीटिंग कितने हैं, सिर्फ 2 है। कौन सा? एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग। जो भी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं है वो कौन सा माना जाएगा? एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग। समझ में आया? सो जनरल मीटिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2, एजीएम और ईजीएम। तो इसको ऐसे एक्सप्लेन किया गया है, ये एजीएम और ईजीएम 2 जनरल मीटिंग है। जो भी एजीएम नहीं होगा वो क्या होगा? एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ये ऐसा मीटिंग है जिसको कोई अर्जेंट मैटर है जो तुम टाल नहीं सकते टिल द नेक्स्ट एजीएम। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस का एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था 29 अगस्त 2022 दोपहर को 2 बजे। अब उनका अगला जनरल मीटिंग, लेट अस एज्यूम द सेम डेट, 29 अगस्त 2023 को होगा। आज चल रहा है दिसंबर 22, कुछ अर्जेंट मैटर आ गया रिलायंस का, तो क्या वो 8 महीने रुक सकते हैं? 8 महीने रुकना बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो वो लोग अर्जेंटली एक एनुअल जनरल मीटिंग जनवरी में बुला सकते हैं। आया समझ में? एनुअल एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं जनवरी में। सो एनुअल जनरल मीटिंग तो साल में 29 अगस्त को एक ही बार होगा, 2023 में, वो भी अगस्त के आसपास होगा। सो एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग तब बुलाया जाता है कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है। फॉर एग्जाम्पल, क्यों बुलाया जाता है? मेमोरेंडम को बदलना है, आर्टिकल्स को बदलना है, उसके बाद समय से पहले डायरेक्टर को हटाना है, समय से पहले ऑडिटर को हटाना है, कंपनी का नाम बदलना है, कंपनी को बंद करना है, तो कौन सा मीटिंग बुलाया जाता है? एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब सवाल यह है, इसके लीगल प्रोविजंस क्या है? बुलाएगा कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बुलाने वाला ताकत किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन डायरेक्टर्स ने बुलाया नहीं, तो जो शेयर होल्डर है जिसके पास 10% शेयर्स है या 10% वोटिंग पावर है, वो डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करेगा कि मेंबर जिसके पास 10% या 1/10 वोटिंग पावर है, वो डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज मीटिंग को बुलाओ, मुझे लगता है या हमको लगता है एक इंपॉर्टेंट मैटर है। ऐसे सोचो, 100 स्टूडेंट रहे तो कम से कम 10 स्टूडेंट ने बोला। आया समझ में? 10% वोटिंग वाले लोग डायरेक्टर को अप्रोच करते कि मीटिंग बुलाओ, कुछ अर्जेंट मैटर है। तो डायरेक्टर को जिस दिन रिक्वेस्ट डाला, सपोजली 1 नवंबर को डाला, तो 15 दिसंबर मतलब 45 डेज के अंदर उनको मीटिंग बुलाना पड़ेगा। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाना पड़ेगा। अच्छा, डायरेक्टर्स बुलाते नहीं है, तो ये जो मेंबर्स है जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है, टेक्निकल भाषा में उनको रिक्विजिशनिस्ट बोलेंगे, ये लोग खुद से मीटिंग बुला सकते हैं विद इन 90 डेज, और वो सारा खर्चा कंपनी से वसूलेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो रिक्विजिशनिस्ट भी बुला सकते हैं। मतलब कैसे है,
पहला कौन बुलाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरा मेंबर्स ने रिक्वेस्ट डाला तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुलाएंगे कितने? 45 डेज के अंदर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नहीं बुलाया तो कौन बुलाएगा? खुद ये रिक्विजिशनिस्ट। और यदि किसी ने कंप्लेंट किया नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को, एक अर्जेंट मैटर है और कंपनी मीटिंग नहीं बुला रही है और एनसीएलटी को लगता है कि कंपनी बंद हो सकती है या कुछ ऐसा नुकसान हो सकता है, तो एनसीएलटी या गवर्नमेंट बुला सकता है ये मीटिंग। किसको? एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग। अच्छा, नोटिस के प्रोविजन सेम है। क्या प्रोविजन है? 21 डेज। मीटिंग के कितने दिन पहले? 21 डेज। भेजने का दिन और मीटिंग का दिन काउंट नहीं करते, बीच में कितने का गैप चाहिए? 21 डेज पहले भेजना पड़ता है। कोरम के प्रोविजन सेम है एजीएम की तरह। ये रहा तुम्हारे कोरम के प्रोविजन। प्राइवेट कंपनी में कितने लोग कम से कम प्रेजेंट चाहिए? दो। अच्छा, और पब्लिक कंपनी रही 1,000 से कम मेंबर्स रहे तो कितना? 5। 1,000 और 5,000 के बीच में 15, 5,000 से ज्यादा 30, ये कोरम। सो कोरम और नोटिस का प्रोविजन एजीएम और ईजीएम के सेम है। मीटिंग खत्म होने के बाद क्या बनाना पड़ता है? मिनट्स, जो मीटिंग में हुआ उसका रिटर्न रिकॉर्ड। उसके भी प्रोविजन सेम है कि 15 दिन के अंदर बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉक्सी की भी कोरम सेम, प्रॉक्सी का भी मीनिंग सेम है और कंसेप्ट सेम है कि मैं मीटिंग में नहीं जा पा रहा हूं तो मैं किसी और को भेज सकता हूँ जो मीटिंग अटेंड करेगा ऑन माई बिहाफ, उसको प्रॉक्सी बोलते हैं। तुम एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग दोनों में प्रॉक्सी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? अच्छा, ये क्या था? शेयर होल्डर्स मीटिंग। शेयर होल्डर्स में कौन सा? जनरल मीटिंग। तुम्हारे सामने मैं ड्राइंग में आता हूं तो तुमको एक और बार क्लियर हो जाएगा। ड्राइंग देखो, ये रहा शेयर होल्डर्स मीटिंग में क्या था? जनरल मीटिंग। उसमें पहला प्रकार कौन सा था? एनुअल जनरल मीटिंग। दूसरा कौन सा प्रकार है? एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग। उसके बाद कौन सा है? क्लास मीटिंग। मैंने क्या बताया था? दो प्रकार के शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी होता है और एक प्रेफरेंस होता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो रहते हैं दूसरे प्रकार के, जैसे तुमने 11th में मैथ्स या एसपी दो में से एक सब्जेक्ट लिया है, तो मैथ्स वाले एसपी का लेक्चर नहीं करेंगे, एसपी वाले मैथ्स का लेक्चर नहीं करेंगे। उसी प्रकार से ये जो क्लास मीटिंग है, इस मीटिंग में सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अटेंड करेंगे। बट ये मीटिंग बुलाया क्यों जाता है? अब समझो प्रेफरेंस शेयर के बारे में। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, ठीक है, उनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है। सपोजिटली ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, इन लोगों ने कंपनी को 1 लाख रुपए दिया है, ठीक है, उनका रेट ऑफ डिविडेंड 10% है, साल में उनको 10,000 मिलना है। अब कंपनी डिसाइड करती है ये 10% का डिविडेंड, पता है ना जो रिटर्न दिया जाता है शेयर होल्डर को, 10% का 9% करेगी। डू यू एग्री? तुम्हारे राइट्स बदले जा रहे हैं। आया समझ में? तो इन दैट केस तुमको क्लास मीटिंग बुलाना पड़ेगा। क्लास मीटिंग में सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आएंगे, अटेंड करेंगे और उनसे कंसेंट या अप्रूवल लिया जाएगा। अप्रूवल कैसे? यदि 100 प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 वोट्स है, 75% या 75 वोट्स वालों ने हाँ बोला तो ही ये 10% का 9% होगा, क्योंकि उनको डिविडेंड कम मिल रहा है ना, उनके राइट्स बदलाव किए जा रहे हैं। सो क्लास मीटिंग में यदि 2 साल से कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे रही है, फिर भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लास मीटिंग बुला सकते हैं कि हमको दिया नहीं जा रहा है, मीटिंग बुलाओ, हम डिस्कस करना चाहते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो क्लास मीटिंग है ये एक्सक्लूसिवली एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर है। कौन से? मेनली प्रेफरेंस शेयर्स। क्यों बुलाया जाता है? उनके राइट्स या ड्यूटीज में कुछ बदलाव किया जा रहा है, तो वो बदलाव का फैसला कौन लेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लेंगे कि ये वैलिड है कि नहीं। उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो कंपनी को डिविडेंड कितना देना पड़ेगा? 10%। मान लिया तो कितना देना पड़ेगा? 9%। तो ये मीटिंग एक्सक्लूसिव क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है। आया समझ में? अब वापस से हम ड्राइंग में आके देखते हैं तो तुमको समझ में आएगा। शेयर होल्डर्स के मीटिंग या जो मीटिंग है शेयर होल्डर्स के, वो दो ही पॉसिबिलिटी है। कौन से दो पॉसिबिलिटी है? जो शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स में जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग। समझ में आया? शेयर होल्डर्स में जनरल मीटिंग किसके लिए है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। क्लास मीटिंग किसके लिए है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए। अब डायरेक्टर्स मीटिंग देते हैं, देखते हैं जिसमें बोर्ड मीटिंग और कमिटी मीटिंग आए, करेक्ट। तो अभी शुरू करते हैं डायरेक्टर्स के बारे में। नाउ डायरेक्टर्स का जो मीटिंग होता है उसको हम क्या बोलेंगे? बोर्ड मीटिंग। सबसे पहला मीटिंग के बारे में अभी मैं तुमसे डिस्कस करने वाला हूँ। लेट अस स्टार्ट विद द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग ऑथोरिटी कौन है बुलाने वाला? सारे के सारे जनरल मीटिंग बुलाते कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे बोर्ड मीटिंग को बुलाएगा कौन? चेयरमैन, ठीक है।
सबसे पहला बोर्ड मीटिंग किस तारीख को कंपनी का जन्म हुआ। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का जन्म हुआ 1 जनवरी को, जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला। कंपनी का जन्म होता है जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, उसके 30 डेज मतलब 38 जनवरी के अंदर तुम्हारा बोर्ड मीटिंग, सबसे पहला 30 डेज के अंदर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो जाना चाहिए, जन्म के 30 दिन के अंदर। आया समझ में? 30 डेज के अंदर पहला बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में कौन अटेंड कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बुलाता कौन है? चेयरमैन। साल में कितने बार होगा? 4 बार। 4 बार, दो एजीएम, दो बोर्ड मीटिंग के बीच का फासला कितना होगा? 120 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होगा? इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? साल में कितने बार होगा? कम से कम 4 बार, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी मर्जी, 4 से कम रख सकते हैं। द आंसर इज नो। दो बोर्ड मीटिंग के बीच का फासला कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 120 डेज। बुलाएगा कौन बोर्ड मीटिंग? चेयरमैन। किसको बुलाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नोटिस कितने दिन का लगेगा? 7 दिन का। क्या कोरम कितना है? 1/3 और 2, विच एवर इज हायर, 1/3 और 2, विच एवर इज हायर। यदि 12 डायरेक्टर्स है तो इसका 1/3 कितना होगा? 4। 4 और 2, विच एवर इज हायर, 4। लेकिन रिलायंस में 14 डायरेक्टर्स है, 14 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा? 4.67। तो इसको राउंड अप करो, 5। सो 5 और 2, विच एवर इज हायर में 5 है। तो रिलायंस में कम से कम 5 डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। अच्छा, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स खुद से नहीं जा रहे तो वो किसी और को भेज सकते हैं। द आंसर इज यस। उसको क्या बोलेंगे? प्रॉक्सी। तुम खुद नहीं जा पा रहे हो, तुम किसी और को भेज सकते हो, प्रॉक्सी अलाउड है। बट बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर प्रॉक्सी को भेज नहीं सकते। ठीक है, तो एक और अच्छी बात है, नोटिस कितने दिन का? 7 दिन का। नोटिस टाइमली नहीं भेजा तो कितना? 25,000 रुपए का फाइन बैठेगा। कोरम, कोरम कितना है? 1/3 और 2, विच एवर इज हायर। वर्चुअल मीटिंग, डायरेक्टर खुद नहीं जा पा रहे तो क्या वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड कर सकते हैं? द आंसर इज यस। बट कायदा है वो रिकॉर्डिंग में पता रिकॉर्ड करना चाहिए मीटिंग, ताकि प्रूफ हो जाए कि डायरेक्टर ने अटेंड किया था, क्योंकि रिकॉर्डिंग में पता चल जाता है कौन कौन है। उसके बाद एडजर्नमेंट, मीटिंग नहीं हुआ तो कितने टाइम के लिए पोस्टपोन हो जाएगा? 1 हफ्ते के लिए, सेम टाइम सेम प्लेस सेम डे। आया समझ में? सो डायरेक्टर्स मीटिंग के भी दो मीटिंग होते हैं, एक होता है बोर्ड मीटिंग और एक होता है कमिटी मीटिंग। सो कमिटी मीटिंग क्या होता है कि कहीं आग लग गई कंपनी में तो एक कमिटी बनाया गया कि क्यों आग लगी। फिर तुम एक ये कर सकते हो कि शेयर्स का अलॉटमेंट कमिटी, फोरफीचर कमिटी, ये कंपनीज एक्ट कमिटी मीटिंग कब रखना है नहीं बताता है। वो तुम पर है, तुमको लगता है कोई पर्टिकुलर मैटर, डिसिप्लिन कमिटी, शेयर का अलॉटमेंट कमेटी, उसके हिसाब से ही मीटिंग तय करते हैं, लेकिन इसका मिनट्स बनाना जरूरी है। एक और फर्क है, बोर्ड मीटिंग का मिनट्स कितने दिन के अंदर बनाना पड़ता है? 15 दिन के अंदर। जनरल मीटिंग का 15 दिन के अंदर, लेकिन जनरल मीटिंग का मिनट्स पब्लिक देख सकती है, लेकिन बोर्ड मीटिंग का मिनट्स पब्लिक ही नहीं, शेयर होल्डर भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो प्राइवेट रहता है। और लास्ट में क्रेडिटर्स मीटिंग। क्रेडिटर्स मीटिंग क्या होता है? क्रेडिटर्स को, जिनको हमको पैसा देना है, जिनसे हमने गुड्स खरीदा या तो उधारी लिया है, लेकिन तुमको लग रहा है कि कंपनी बंद करना है, लेकिन उनको पैसा देना है, तुम कैसे बंद कर सकते हो? तो क्रेडिटर्स को बुलाया जाएगा, इस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि हम कंपनी को बंद करना चाहते हैं, आपको टाइमली पे किया जाएगा। तुमने टाइमली पे नहीं किया तो वो लोग डायरेक्टली ट्राइब्यूनल, कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को अप्रोच करेंगे कि कंपनी बंद करो। तो ये मीटिंग से क्या होता है, तुम गारंटी दे रहे क्रेडिटर्स को, हम बंद कर रहे हैं पर आपका पैसा इस तारीख तक आपको मिल जाएगा। नॉर्मली क्रेडिटर्स मीटिंग बुलाया नहीं जाता है, लेकिन एक और कारण से बुलाया जाता है, 50 लाख देना बाकी है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो तुम उनको मीटिंग बुला रहे हो और बोल रहे हो एक काम करो, तुम 40 लाख लो और खत्म करो, तो तभी भी बुलाया जा सकता है, या कंपनी बंद हो रही है तभी बुलाया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्रेडिटर्स मीटिंग था। तो अभी तुम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तुम्हारे सामने आ गया जो मीटिंग्स के प्रकार। सबसे पहले शेयर होल्डर्स मीट, कितने मेन प्रकार की मीटिंग है? 3, जो कंपनी के मालिक है शेयर होल्डर्स, जो कंपनी को चलाते हैं डायरेक्टर्स, और जिससे कंपनी ने गुड्स का उधारी में लिया है या कर्जा लिया है। शेयर होल्डर्स मीटिंग कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2, जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग। जनरल मीटिंग में 2 प्रकार, कौन सा? एजीएम और ईजीएम। क्लास मीटिंग में कौन अटेंड कर सकता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जनरल मीटिंग में कौन अटेंड कर सकता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या प्रेफरेंस शेयर जनरल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं? द आंसर इज नो। ये डायरेक्टर्स मीटिंग, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और दोनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। इसके कायदे हैं, टाइम फ्रेम के, इसके तुम अपने मर्जी के हिसाब से रखो।
और ये क्रिएटर्स मीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मीटिंग खत्म होता है।